पॉइंट्स क्या क्या है? पी क्यू एस 3 पॉइंट्स है, और वो तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का है ही, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट दे दिए कि एक्स एक्सिस ये है, ऊपर वाली वाई एक्सिस है। अब बोला क्या है कि एंड इट्स सेंटर मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेंटर मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स का एक्सेलरेशन निकालना है व्हेन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ व्हील इज वी। चलो भाई, अब तो व्हील भी दे दिया, अब आगे बढ़ कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ। मैं तो इसको डायग्राम के हिसाब से तुम लोग बताऊंगी, पर चलो कोई ना। अगर मैं एक नॉर्मल बोल दूं कि गिवन क्या है, बोलेंगे कि बॉडी जो है, बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बॉडी इज रोलिंग, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसका, ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या है, ए है, ठीक है। ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। क्लियर? अब इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, टेल मी, कोशिश करो। देखो एक्चुअली इसका जो डायग्राम होगा, 3 चीजों का मिक्सचर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3 आपको लगेंगे, एक हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ठीक है, किसका एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे 3 एक्सेलरेशन होंगे। एक होगा आपका ट्रांसलेशन, एक होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो बॉडी जो रोल बोल कर रही है, और एक होगा आपका सेंट्रिपेटल, सेंट्रिपेटल। तो मैं तीनों का क्या करूंगी, पहले डायग्राम बनाऊंगी। देखो बॉडी क्या है, रोल कर रही है, तो फर्स्ट बॉडी रोल, सेकेंड बॉडी रोल, और बॉडी जो है तीसरी बॉडी भी रोल करेगी, तीसरी बॉडी भी रोल करेगी, क्लियर है। तीनों बॉडी को मैंने रोल कराया, सरफेस मैंने किसी का भी ड्रॉ नहीं किया है, ओके। तो नाउ आई विल ड्रॉ व्हाट, टेल मी। अब मैं सबका बना रही हूँ पॉइंट्स, जैसे कि देखो ये है, अब इसको क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन सेंटर ने बोल दिया ए की तरफ है, ठीक है। ये सेंटर है, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हो गया, ये भी ऑब्वियस ही बात है ए में जाएगा। ये मैं किसका बना रही हूँ, ट्रांसलेशन का बना रही हूँ, फर्स्ट केस है ये, ठीक है। अब ये जो पॉइंट एस है, ये भी क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट क्यू है, वो भी क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा। सबके सबके क्या होंगे, ए होगा, क्लियर है ना, इतना क्लियर है। अब दूसरा वाला कॉम्बिनेशन पर आ जा, जबकि हम टेंजेंशियल बोल रहे हैं, तो ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, ये हमारा अपर पॉइंट क्यू है, और ये हमारा लोअर पॉइंट जो है पी मान, ठीक है। ये हमारा पॉइंट एस है। अब ये क्या करेगा भाई, ये कहेगा कि मैं जो हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी से जाऊंगा, जो कि अल्फा आर है, ठीक है, मान लो ए। ये करेगा भाई, मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ, मैं तो ऐसे जाऊंगा, तो ये भी ट्रांजिशन होगा अल्फा आर इज इक्वल टू ए, और ये कहेगा कि भाई मैं तो रोटेट करवा रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे तो इस डायरेक्शन में जाना है, ये भी ए टी हो, क्लियर है, ओके। सेकेंड वाला समझ में आ गया, सेकेंड वाला क्या करवा रहा है बेटा, सेकेंड वाला रोटेट करवा रहा है अल्फा से, एक्सेलरेशन से, ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, डोंट फॉरगेट इट। तीसरा वाला क्या कहेगा, तीसरा केस बोलेगा भाई सब करवा रहे हो, लेकिन फोर्स तो मैं जो दूंगा वो भीतर की तरफ डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्यू पॉइंट होगा, यहाँ पे वो सेंटर वाला जो है ही, यहाँ पे मेरा पी हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एस, एस दिया हुआ है ना तुम लोग का क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा से क्या करा रहा है, वेलोसिटी से रोटेट करवा रहा है, लेकिन तब इसका रेडियस तो तुम्हारा आर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रिपिटल ओमेगा स्क्वायर आर। ये भी बोलेगा ऐसे भीतर जाओ, ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी कहेगा भाई भीतर जाओ, ओमेगा स्क्वायर आर, क्लियर। तो ये वाला क्या हो गया, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वाला थर्ड केस हो गया। सेकंड केस क्या हो गया, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रोटेशन की वजह से हो गया, और फर्स्ट केस क्या हो गया, एक्सेलरेशन इसके वजह से ट्रांसलेशन के, क्लियर है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्चुअली ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, आई थिंक इट इज क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा, अब क्या करेंगे आगे बताओ, बस और कुछ नहीं, तो फिगर हो गया, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, अच्छा रिजल्टेंट वाला आपको ड्रॉ करवा, तो रिजल्टेंट समझ में आ गया ना, तीनों का मिक्सचर होगा, अगर रिजल्टेंट को ड्रॉ करवाना पड़ेगा तो कैसे ड्रॉ करोगे रिजल्टेंट वाला, टेल मी। रिजल्टेंट कुछ नहीं है, बस ऐसे लो,
ठीक है, और यहाँ पे आपका सर्कल आ जाएगा। क्लियर? सर्कल में आपको रोटेट, ये तो तुम्हारा सेंटर वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट तुम्हारा सेंटर आ गया, ठीक है। ये क्या करेगा, इस तरफ जाएगा। ये जो पॉइंट एस है, एक तो भीतर बोलेगा जाओ ओमेगा स्क्वायर आर से, एक बोलेगा बाहर जाओ ए से, एक बोलेगा टेंजेंशियल नीचे जाओ ए टी से। क्लियर? इसका क्या है, अंदर बोलेगा ओमेगा स्क्वायर आर से जाओ, क्लियर, और इधर जाएगा ए टी से। और सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या बोलेगा भाई, अंदर जाओ ओमेगा स्क्वायर आर। तो दिस इज अ एक्सलरेशन हम जब रोलिंग करेंगे, ये सबका कंक्लूजन रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट, क्लियर, रिजल्टेंट एक्सलरेशन। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली व्हाट आई विल राइट, तो रिजल्टेंट एक्सलरेशन, रिजल्टेंट एक्सलरेशन कहां पर, पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर क्या हो जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू ए आई, ठीक है। एक्सलरेशन एट ई क्या हो जाएगा, एट पी क्या हो जाएगा, ए पी होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा तीनों का कॉम्बिनेशन, ए आई माइनस ए जे प्लस ओमेगा स्क्वायर आर जे के डायरेक्शन में। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर जे के डायरेक्शन में। और एक्सलरेशन एट क्यू क्या हो जाएगा, एक्सलरेशन एट क्यू क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए आई प्लस ए आई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे। तो ये हो जाएगा टू ए आई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे। क्लियर है ना? तो और एक्सलरेशन एट एस क्या हो जाएगा बता, एक्सलरेशन एट एस क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ए आई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे इज इक्वल टू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। एक तो आई के डायरेक्शन में लगेगा ना, और दूसरा आपका माइनस ए जे आएगा। ये दोनों तो आई के डायरेक्शन में लगेगा और माइनस ए जे के डायरेक्शन, क्लियर है। तो डायग्राम से मैंने तीनों चीजों को देख लिया, कुछ नहीं, लास्ट वाला डायग्राम दिमाग में रखना या तीनों का कॉम्बिनेशन दिमाग में रखना, क्वेश्चन पक्का सॉल्व। ओके, कल मिलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हमारे पास स्लाइडिंग बचा है, स्लाइडिंग को कम्प्लीट करने के बाद ही हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे बाकी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो कुछ क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, फिर हम लोग रोलिंग को पढ़ेंगे और देखते हैं और क्या क्या आगे हैं। प्लेटफॉर्म के साथ रोलिंग को कंबाइंड करके पढ़ेंगे, मूविंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। फर्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, अ टर्नेबल रन्स अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, मेकिंग वन रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, ओके 10 सेकेंड में एक रेवोल्यूशन बनाना था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टर्नेबल अबाउट द एक्सिस इज 1200 केजी मीटर स्क्वायर, द मैन ऑफ 80 केजी इनिशियली स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द टर्नेबल रन्स आउट अलोंग द रेडियस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्नेबल व्हेन द मास इज 2m फ्रॉम द सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर है, क्वेश्चन समझना है, राइट। बोल क्या रहा है कि एक टर्नेबल है जो कि सेंटर के एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर लिए, ये उसका सेंटर, ये टर्नेबल, क्लियर। फिर क्या बोलता है कि एक आदमी है जो कि उसके रेडियस के अलोंग चल रहा दौड़ रहा गया, ठीक है, तो रेडियस के अलोंग मान लो ये दौड़ गया आदमी, अब ऐसे, क्लियर, ये सिचुएशन कुछ ऐसे, ठीक है। या मैन की वेट कितनी है, 80 है, तो जो पहले सेंटर पर खड़ा था अब वो क्या किया, रॉन्ग आउटसाइड की तरफ चला दौड़ा रेडियस के, क्लियर, तो उसके एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब टर्नेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 1200, क्लियर, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ, यस हम लोग इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो धीरे धीरे तुम लोग करते जा रहे हो तो प्रैक्टिस होती जा रही है, ठीक है। तो हम लोग को पहले तो इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है जी। चलो अब सिस्टम में जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो सिस्टम बना वो कैसा बना, ये बना तुम्हारा मैन से जो उसके पहले सेंटर पकड़ा था प्लस टेबल से,
वेक्टर निकलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आई नॉट जो है वो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, क्लियर है। तो ये आई नॉट क्या हो जाएगा फिर, आई नॉट में मैन भी आएगा सिस्टम में, प्लस टेबल भी आएगी, मैन और टेबल दोनों आएंगे। इसका मतलब पहले तो 0 है और 1200 है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्लियर। ये क्यों, क्योंकि मैन जो है यहाँ पे 0 क्यों हुआ, क्योंकि मैन जो है उसके एक्सिस पर ही बैठा है। ठीक है, तो एज द मैन सिट ऑन द एक्सिस, क्लियर। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट देखो, आई को अगर मैंने फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ठीक है, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस हमारा आई टेबल, आई टेबल का 1200 है प्लस एम आर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, एम क्या था 80 था, आर क्या था तुम्हारा 2 है, तो स्क्वायर प्लस 1200, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 80 × 4 प्लस 12 इक्वल टू 1500, ठीक है, इसीलिए मैं तो बोला कि मैम कहाँ से आ गया। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क लगी नहीं रही है, लगी है क्या, डायरेक्ट क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे। ठीक है, तो हेयर नो एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क अबाउट द एक्सिस, अबाउट द एक्सिस वर्क, ठीक है। तो अप्लाइंग क्या अप्लाई करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी हमने लिखा नहीं है, बट अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा को इक्वल कर देंगे। अच्छा, ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 2π/T0 दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो 2π/10 इज इक्वल टू 5/5 क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है, क्लियर है। तो फाइनली हमने क्या निकाला, फाइनली हमने क्या निकाला कि एक तरफ हो जाएगा आई ओमेगा और एक तरफ हो जाएगा आई नॉट ओमेगा, इस वजह से जो हमारा फाइनल आएगा ओमेगा वो क्या आ जाएगा, आई नॉट ओमेगा नॉट अपॉन आई, ये क्या हो जाएगा 1200, ठीक है, और इधर वाला क्या आया 1200, ठीक है, और ओमेगा नॉट अभी मैंने लिखा 5/4, क्लियर, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका देखो क्या आएगा, ओके, अब इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो, कैसा आएगा, मैंने भी कैलकुलेट कर लिया भाई यूजिंग कैलकुलेटर, ओके चलो जल्दी खिला तुम करनी है क्लास, ओके चलो आगे बढ़, ठीक है। नाउ सी इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो स्केटर्स हैं, ईच ऑफ मास 50 kg अप्रोच इज अ लॉन्ग पैरेलल पाथ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर, ठीक है, दे हैव इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटीज ऑफ 10 मीटर/सेकेंड, ठीक है। द फर्स्ट स्केटर कैरीज अलोंग अ लॉन्ग लाइट पोल 3 मीटर लॉन्ग एंड सेकेंड स्केटर ग्रैब्स द एंड ऑफ इट एज ही पासेस, क्लियर है।
डिस्क्राइब क्वांटिटेटिवली द मोशन ऑफ द स्केटर्स आफ्टर दे कनेक्टेड बाय द पोल. इसका डायग्राम क्या बनाएंगे बताओ. क्वेश्चन समझ में आया? ये क्या बोल रहा है, एक पोल है ठीक है और स्केटर्स आइस में कर रहे हैं. इस पोल ऐसा है तो ठीक है, उसका एक सेंटर ऑफ मास होगा ठीक है. मान लो से ये मान लो पोल है क्लियर. और पोल की लेंथ अगर मान लो 2L है ठीक है, टोटल हमने 2L है तो एक तरफ इसकी मास m है, वेलोसिटी ये दूसरे से जा रही है m ठीक है. और ये वाली जो है इस तरफ वाली ऊपर की तरफ उठेगी ना वेलोसिटी से, मान लो कि कोई m ठीक है. अब ये दोनों ऑपोजिटली कर रही है यानी कि कुछ इस तरीके से, एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है और ये रोटेट, ये इधर रोटेट होगा तो ये रोटेट होके इधर आएगा इससे ओमेगा से सी सेंटर ऑफ मास. इतना क्लियर है ना, ये तुम्हारा ओवरऑल डायग्राम है. अब इसका मोशन की क्वालिटेटिवली हमको देख सकते हैं ठीक है. अब हम क्या बताएंगे बताओ. नाउ व्हाट वी विल से, हम कहेंगे कि अगर अगर मैंने बोला कॉलिजन वर्ड यूज किया यहाँ पे तो क्या सही रहेगा. कॉलिजन यानी कि एक स्केटर्स और दूसरा स्केटर्स मिल रहे हैं और उन्होंने क्या किया था, अभी अपने पोल्स को चेंज किया था राइट. तो हम क्या कहेंगे कि एज द नेट लीनियर मोमेंटम, क्या है लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ द सिस्टम. अब इसके सिस्टम में क्या है, पहले वाला का सिस्टम तो हम जान चुके हैं, इसके सिस्टम में क्या आएगा, स्केटर आएगा और उस स्केटर का पोल आएगा राइट. क्या होगा, जीरो होगा ना, जीरो होगा नेट लीनियर मोमेंटम. और ये जो कोलिजन है उस कोलिजन को लेंगे बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास विल बी व्हाट टेल मी, रेस्ट पर होगा क्लियर है. तो जो स्केटर्स है और जो पोल है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अराउंड. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोल है ठीक है, उस पोल का जो मिड पॉइंट है, इसलिए मैंने 2L लिखा था एक्चुअली, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर, ये टोटल मैंने बोला गया 2L है तो उस मिड पॉइंट के तरफ रोटेट कर रहा है यानी कि द स्केटर्स, स्केटर्स ठीक है एंड द पोल विल रोटेट अराउंड द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट कर रहा है यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द पोल, मिड पॉइंट ऑफ द पोल क्लियर है. अब यहाँ पे हम इजीली लगा सकते हैं किसका, कंजर्वेशन लॉ एंगुलर मोमेंटम का. तो आई विल से दैट अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ठीक है. अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि देखो कल तक हम लोग प्लेटफॉर्म वगैरह सारे वेलोसिटी और ये सारी चीजें कर रहे थे, आज हम करेंगे वेलोसिटी एक पॉइंट का जो बॉडी रोल कर रही है ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट जो है ऑन द रोलिंग बॉडी, रोलिंग बॉडी ठीक है, क्लियर है. मतलब एक ऐसे बॉडी का वेलोसिटी फाइंड करेंगे जो कि ऑलरेडी रोल है, उसके हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस, मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉडी है, मान लो कोई एक बॉडी है जो कि रोल कर, ठीक है. फर्स्ट आई ड्रॉ द डायग्राम, एक बॉडी है ठीक,
एंड दैट इज केप्ट ऑन अ सर्फेस लाइक दिस। अब ये बॉडी क्या कर रही है, रूल रूल करेगी, तो इसके लिए इसके पास क्या होगा, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होगी और रोटेशनल वेलोसिटी। देखो लगभग सेम डायग्राम हम हर चीज के लिए आपको ड्रॉ करके बताते हैं, बट द पॉइंट्स आर डिफरेंट। देखो जैसे कि ये मैंने बोल दिया, तीन पॉइंट हमारे पास होते हैं हमेशा की तरह, एक अपर मोस्ट, एक सेंटर ऑफ मास का सेंटर, और एक रोटेशनल के लिए लोअर कॉन्टैक्ट पॉइंट, रोलिंग बॉडी के केस में। क्लियर है? नेक्स्ट हम अगर कहें कि ये कोई पॉइंट है, मान लो पी, ठीक है, हमने बोल दिया इसको कोई पॉइंट पी, तो अब हम इसके बारे में सारी चीजें कैसे डिस्कस कर सकते हैं, बताओ। टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ दिस, ठीक है। अब ये तीनों तो पॉइंट ऐसे जोड़ो, तो ये एक एंगल बना कि नहीं, इस एंगल को बोल दो थीटा। क्लियर? अब ये बॉडी देखो सेंटर ऑफ मास तो क्या करेगी, वो इस साइड में डाएगी तो BCM हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये बॉडी का मैंने एक बार सबसे पहले एक डायग्राम बनाया था कि हर एक पॉइंट जब ट्रांसलेशन करता है तो कैसे जाता, तो दिस विल ऑल्सो गो बाय व्हाट, BCM, और यही क्या हो जाएगा इसका, वी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन ये बॉडी रोटेट भी कर रही है बेटा, तो ऑब्वियस ही बात है ये ऐसे भी करेगी। ठीक, तो दिस विल बी योर थीटा, और ये कौन सी हो गई, वी रोटेशनल। ये क्या हो गया, वी रोटेशनल, और ये वी रोटेशनल किसके बराबर होगा, ओमेगा आर के। ठीक है, लास्ट के इतने सारे जो क्लासेस हैं उसमें हम लोगों ने यही पाया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बता दो अभी, नहीं है ना? तो फाइनली मैंने अगर बोला कुछ, मैं लिख दूं इसके बारे में जैसे कि आपको बाद में हेल्प मिले, सो आई विल से दैट कंसिडरिंग अ पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी ऑन द रोलिंग बॉडी, ठीक है, रोलिंग बॉडी, ठीक। अब ये बॉडी क्या करेगी, मोशन जो बॉडी का होगा, मोशन जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। अब ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल जब हो जाएगा तो हम लोग जो इसका टोटल जो वेलोसिटी निकालेंगे वो वेक्टर सम होगा इन सब दोनों वेलोसिटीज का। क्लियर है? तो वेक्टर सम ऑफ दीज वेलोसिटीज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी ट्रांसलेशनल प्लस वी रोटेशनल, लेकिन दीज विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। फाइनल वेलोसिटी अगर हम किसी पॉइंट बी पर बात कर रहे हैं तो, किसी पॉइंट बी पर बात कर रहे हैं, अच्छा, अब तो देयरफॉर वीपी क्या हो जाएगा बताओ, वी ट्रांसलेशनल तो होगा ही, प्लस किसका होगा, ओमेगा क्रॉस आर का होगा, ठीक है, डायरेक्शन बोलने के लिए। और अगर हम वीपी का मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो कैसे हो जाएगा, वी स्क्वायर, ये तो सीएम हो जाएगा ट्रांसलेशन वाला, ठीक है, BCM स्क्वायर प्लस 2VCM इनटू VCM cos थीटा, ठीक है, इसका अंडर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2VCM cos थीटा बाय 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़े, अब देखो इसने क्या बोला है, अ व्हील रोल्स प्योरली ऑन अ ग्राउंड, फाइंड द पॉइंट ऑफ द पेरिफेरल ऑफ द बॉडी व्हिच हैज द वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ऐसा पॉइंट बताओ वहां पर कि जो उसके सेम पॉइंट पर हो, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द बॉडी पेरिफेरल जहां पर सेम वेलोसिटी होगी। अगर मान लो मैंने ये एक रोलिंग बॉडी है जो कि ग्राउंड पर रोल कर रही है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट जब ये सेंटर ऑफ मास वाली पॉइंट, क्लियर, तो ये कैसे रोटेट करेगी, ये तुम्हारा BCM से जाएगी वेलोसिटी से। क्लियर? तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट, सडन पॉइंट P ले लिया, ठीक है, तो उस डायग्राम के हिसाब से मेरा ये क्या हो जाएगा, ये टोटल इससे थीटा हो जाएगा ना, इससे थीटा हो जाएगा, और उसने बुक ने दिया है कि हमें थीटा क्या है फाइंड आउट करना है, जबकि ये पॉइंट ऑलरेडी BCM से जा रहा है, ये पॉइंट ऑलरेडी BCM से जा रहा है, तो यानी कि अब ये ऐसे जा रहा है तो इसका जो ये पॉइंट होगा ये भी थीटा होगा ना, ये भी थीटा होगा, राइट, अभी हम लोगों ने देखा,
ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी इसकी, ओमेगा आर इज इक्वल टू वी सी, यही तो दिया हुआ है, यही हमारे पास दिया हुआ है। तो हाउ सेम ही हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस थिंग। देखो अभी हम लोगों ने एक पॉइंट वाली बात की थी, वीपी की बात की थी, क्या था वीपी, कोई मुझे बता पाएगा, टेल मी। वीपी की जो अभी हमने बात की थी वो क्या था कि कोई भी एक पॉइंट अगर हम ले ले किसी भी रोटेटिंग बॉडी रोलिंग बॉडी का, उसके सर्कमफेरेंस पर क्या होगा, राइट। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, आई एम सेइंग दैट कि वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस किसके, ऑफ अ रोलिंग बॉडी के, रोलिंग बॉडी के, यानी कि इस होल सर्कमफेरेंस पे हम कोई भी पॉइंट ले ले, कोई भी पॉइंट ले ले, तो वो बीपी क्या हो जाएगा, 2vcm cos of थीटा by 2, यही तो अभी हम लोग ने देखा। तो वीपी उसने बोल दिया भाई ऑलरेडी वीसीएम है, ठीक है, और वीसीएम क्या है, वीसीएम हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, तो उस पे पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को, तो थीटा कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब ये वीपी हमें दिया हुआ है वीसी, तो यानी कि मेरा क्या हो गया, इधर भी वीसीएम है इज इक्वल टू 2vcm cos थीटा by 2, VCM VCM कट गया तो 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा by 2, ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा ये, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू योर 120, क्लियर है ना, इज दिस क्लियर, क्लियर है ना। नेक्स्ट बताओ कि हम लोग क्या करें, हम लोग अब देखेंगे वेलोसिटीज देख लिए, एक्सेलरेशन वगैरह सारी चीजें, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखें, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी में कुछ भी ले लो, रोलिंग व्हील ले लो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी एज अ रोलिंग बॉडी। अब कोई भी रोलिंग बॉडी व्हील है उसका एक काइनेटिक एनर्जी मेजर करने के लिए हमें एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर चाहिए जो उसको मेजर करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसके ट्रांजिशनल का होगी बस, उसका रोटेशनल का होगी। तो जब हम इसी में लिख देते हैं, ये इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, इज स्टेशनरी, ठीक है, तो इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो इसमें ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मोशन करवा रही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो इसमें क्या रोटेशनल मोशन करवा रही है, रोटेशनल मोशन करवा रही है, राइट, तो इन दोनों का सम होगा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर रोलिंग बॉडी क्या हो जाएगा, 1/2 mvcm² + 1/2 i जो सेंटर ऑफ मास के अराउंड है ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब अगर हम कहें कि हमारे पास प्योर रोलिंग बॉडी है, प्योर रोलिंग बॉडी है, तो क्या ये जो वी होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा आर हो जाएगा, आर क्या है, उस रोलिंग का रेडियस है, तो के रोलिंग में ये चीज को हम पुट कर देंगे, तो देयर फोर के जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो किसकी, प्योर रोलिंग की क्या हो जाएगी बताओ, 1/2 mv² वी स्क्वायर में तुम्हारा ओमेगा आर का होल स्क्वायर कर दो प्लस 1/2 i ओमेगा² हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करने पर क्या आया बताओ, टेल मी, सिंप्लीफाई करने पर क्या आया, सिंप्लीफाई करने पर आया कि 1/2 तो दोनों के पास है, लेकिन एक के पास क्या है, एक के पास होगा m ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस एक के पास होगा आई, ठीक है, और ओमेगा, दोनों के पास ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको हम खोलते हैं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, 1/2 ओमेगा² को खोल दो, तो इसके पास क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर प्लस आई का, ठीक है, ये बच गया, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अलग अलग चीजों का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, ये क्या है, आई सी एम है, यानी सेंटर ऑफ मास के, ठीक है, तो हम लोग ने बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किए हैं, ये है ना, तो हम लोग अगर उसको इंक्लूड करें तो देखो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के क्या बन जाएंगे हमारे पास, तब
डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के, बताओ क्या क्या बन जाएंगे सेल में। अब जैसे देखो, मतलब बॉडी अगर हमारी, मान बॉडी है, अगर ये बॉडी तुम्हारा रिंग हो गया, ठीक है, अगर ये बॉडी रिंग हो गया तो इसका आईसीएम क्या हो जाएगा बताओ, MR² हो जाएगा, ठीक है। और इस बॉडी का अगर काइनेटिक एनर्जी, इसलिए कैसे क्या हो जाएगी, काइनेटिक रूलिंग वाली, ठीक है, रूलिंग वाली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये MR² हो जाएगा और साथ में ω² जोड़ दो। यही बॉडी अगर हमारी डिस्क हो गई तो क्या हो जाएगा बताओ, MR² / 2 हो जाएगा, और साथ में ये क्या हो जाएगा, 3/4 MR² और इधर ओमेगा, जो 1/2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। नाउ अब क्या है, अब तुम्हारे पास अगर स्फेयर है तो स्फेयर का क्या हो जाएगा, 2/5 MR², तो ये इसका क्या हो जाएगा, 7/10 और साथ में MR², क्यों भाई क्यों हो जाएगा, तो मुझे बताए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 MR² प्लस ICM ओमेगा², ये टोटल काइनेटिक एनर्जी में तुम्हें पुट करना है। तो तुम ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें, ये सब है, ओके, ये सब चीजें क्या है, ये सब है, क्लियर है ना। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर, आई थिंक नो बडी शुड हैव एनी क्वेश्चन इन दिस। तो हम काइनेटिक एनर्जी का जो रूलिंग पार्ट है वो ऐसे में, ठीक है, आगे बढ़े। नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, कि ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा व्हील का, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी रोलिंग बॉडी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 IP ओमेगा, क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है, ओके। अब आईपी क्या है, आईपी तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ कोई मुझे, आईपी क्या हो जाएगा, आईपी तुम्हारा हो जाएगा ये आईसीएम प्लस एमआर, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है, ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो बॉडी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर प्योरली रोटेट कर रही है, यानी कि बॉडी जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, कॉन्टैक्ट पर क्या कर रही है, प्योरली रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, प्योरली रोटेट कर रही है, ओके। तो अगर मैंने कहा कि बॉडी अगर प्योरली रोटेट करे तो हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम देखो ऐसे, पहले बात तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब इसको एक सरफेस पे बैठाते हैं, एक सरफेस पे बैठाते हैं, ठीक है। अब हम इसका देखो, ये पॉइंट और ये, तीन पॉइंट लेते हैं, तीन पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे, अब मान लो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले रहे हैं, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, ये दीज आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। तो बॉडी को जब हम इस पॉइंट पे, ये क्या है, ऐसे रोटेट कर रही है, मान लो कि ओमेगा, क्लियर। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो मुझे बताओ कि ये जो सरफेस है, अब ये बोलेगा कि मैं तो रोटेट करवाऊंगा तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को जो, तो ये बोलेगा भाई मैं तो रोटेट करवाऊंगा, ऑब्वियस ही बात है, मैं तो हमेशा रोटेट करवाऊंगा इस तरीके से, ये नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये तो ऐसे करेगा तो ये ऑब्वियस ही बात है 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ऐसा है, ये भी बोलेगा भाई मैं तो तुझे रोटेट करवाऊंगा, तुम जा कहाँ रहे हो, तो ये हो जाएगा ऐसे, फिर भी बोलेगा मैं तुझे रोटेट करवाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, क्लियर है। तो दिस थिंग्स द प्योरली बॉडी इज रोटेटिंग बाय द ओमेगा, ये हमें पता रहना चाहिए कि हम किसी पॉइंट से अगर बॉडी को रोटेट करवा रहे हैं तो कैसे करें भाई, क्लियर है ना इतना। तो हियर व्हाट वी आर सेइंग, हमने कहा कि रोलिंग एज प्योर रोटेशन, ओके, रोलिंग एज प्योर रोटेशन। सो नेक्स्ट व्हाट आई विल से, कि मेरा, मेरे पास VP क्या हो जाएगा, VP हो जाएगा 0, ठीक है, और VO क्या हो जाएगा, ओमेगा R, जो मैंने सेंटर पे बोला, ये क्या है, तुम्हारा ये P हो गया, ठीक है, ये पॉइंट S ले लो, Q ले लो, कुछ ऐसे ले ले, ये Q ले लिया। सो व्हाट आई विल से दैट, नेक्स्ट आई विल से क्या हो जाएगा, VO पर ओमेगा R हो जाएगा, VQ क्या हो जाएगा, ओमेगा R 2R हो जाएगा,
टू आ ओमेगा आर या टू वी सी एम कह लो, क्लियर। वी एस क्या हो जाएगा, ओमेगा रूट टू आर हो जाएगा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, रूट टू ओमेगा आर हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं रूट टू बी सी। सो डिस्टेंस ये सारे परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और फाइंड आउट कर लो, क्लियर है ना। जब हम रोलिंग को एज अ प्योर रोटेशन बोलेंगे तब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर क्या इसकी वेलोसिटीज होगी, वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग दिस। ओके।